नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी बोले, बजट का सबसे अधिक फायदा यूपी को मिलेगा, इसमें छिपा है 25 साल का विजन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर ट्वीट कर माहौल गरमाया, धर्म की आड़ में की जाती है टिप्पणी। प्रयागराज और लखनऊ एयरपोर्ट का होगा विकास, लखीमपुर के पलिया में बनेगा नया एयरपोर्ट। उपमुख्यमंत्री विजय पाठक ने गर्भवती महिलाओं को बिना डोनर खून उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। मनरेगा दिवस पर सीतापुर में महिला मजदूरों ने अपने हक के लिए भरी हुकार। पीएससी भवन निर्माण में पीला ईटा प्रयोग होते देख भड़की महमूदाबाद विधायक, लगाई फटकार। एकजुट हुए सीतापुर जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष ने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का दिलाया भरोसा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, ओवरब्रिज शटल सेवा संचालन के लिए सौंपा पत्र। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए आम बजट पर सीएम योगी ने कहा कि इसका सीधा लाभ यूपी की जनता को मिलेगा। अमृतकाल के पहले बजट में समाज के प्रत्येक तबके को बजट में अवसर देने का काम किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि सप्त ऋषि के रूप में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। केंद्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता है। 2047 में हर भारतवासी कह सकेगा कि वह सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति का निवासी है। इस बजट में 25 साल का विजन छिपा हुआ है। नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर से अयोध्या लाई गई देवशिला का पूजन हुआ। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई। हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लोगों ने पुष्प वर्षा की तो जमकर आतिशबाजी भी हुई। अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिला पर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। धर्म एवं पवित्र ग्रंथों को लेकर ट्वीट के जरिए विवादित टिप्पणियां करने का दौर थम नहीं रहा है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ट्वीट कर सियासी माहौल को गरमाने का प्रयास किया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि इंडियंस और डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी की थी, उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणी महिलाओं व शुद्ध समाज को की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शुद्ध समाज ही समझता है। प्रदेश में लखीमपुर खीरी के पलिया में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। प्रदेश में अभी लखनऊ, वाराणसी, बरेली, हिंडन, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर एयरपोर्ट संचालित है। इसमें से लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जबकि सोनभद्र, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, नोएडा में जेवर और सहारनपुर एयरपोर्ट का निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रदेश सरकार ने पलिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने एक एजेंसी से सर्वे कराया है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में गर्भवती महिलाओं को बिना डोनर खून उपलब्ध कराया जाए, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यह निर्देश उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दिए। वह गुरुवार को ब्लड बैंक प्रभारियों को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को फ्री इलाज की सुविधा दी जाए, ओपीडी में डॉक्टर की सलाह, जांच और प्रसव की सुविधा भी निःशुल्क हो। बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है। महिलाएं शुरुआत से सेहत पर ध्यान दें तो उन्हें रक्त चढ़ाने में बचाया जा सकता है। इसके बावजूद यदि गर्भवती महिलाओं को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस वाले बयान पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। स्वामी प्रसाद के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का एक विवादित बयान सामने आया है। सुनील साजन ने कहा कि समाजवादी पार्टी श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन दो चौपाई को ही हटा देना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान देने वालों पर गहरी नाराजगी जताई है। एक साक्षात्कार में सीएम ने कहा कि व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू ही है, फिर भी अनावश्यक रूप से नई बहस को जन्म देने की कोशिश लगातार जारी है।
सीतापुर शहर के श्यामनाथ मंदिर निकट स्थित रेलवे गेट पर लगने वाली जाम से निजात के लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा का प्रयास लगातार जारी है। सांसद राजेश वर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर गेट पर उपरगामी सेतु का निर्माण कराए जाने की मांग की है। गेट संख्या 51A पर उपरगामी सेतु के निर्माण एवं सीतापुर से लखनऊ के बीच शटल सेवा के संचालन हेतु चर्चा कर पत्र दिया है। बता दें कि उत्तर रेलवे के इस लाइन का श्यामनाथ मंदिर गेट बंद होने से दूर दूर तक जाम लग जाता है, क्योंकि इस मार्ग पर पैसेंजर ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ियों का आवागमन भी रहता है। सांसद राजेश वर्मा इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री से मिलकर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग कर चुके हैं। मंत्री ने समस्या सुनकर जल्द निदान का भरोसा दिलाया है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद से शिवपाल सिंह यादव से मिलकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई दिए जाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को सीतापुर में लहर पूर्व विधायक अनिल वर्मा व पूर्व विधायक राकेश राठौर ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की एवं शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय एकता विराट दंगल के फाइनल मुकाबले में गुरुवार को गोरखपुर के मशहूर पहलवान लाड़ी बाबा ने राजस्थान के मशहूर पहलवान जल्लाद को कड़े मुकाबले में पटखनी देकर जीत का खिताब अपने नाम किया। कस्बा जहगीराबाद में आयोजित दो दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में दंगल प्रेमियों ने अलग अलग पहलवानों की कुश्तियों का आनंद लिया। इस मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर कनिका विश्वास, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक रामपाल यादव, असलम अंसारी, पहलवान फुरकान गाजी, अमीर हमजा ने ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुहेल अंसारी, रजी अहमद मंसूरी, बाबा विशंभर दास, सद्दाम अंसारी, मोहम्मद आलम नूर, नूर आलम, सद्दाम अंसारी, मुनीर अहमद खान, सईद अहमद मौजूद रहे। वन क्षेत्र अधिकारी महमूद आलम को सेवा निवृत्त पर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। संडीला रेंज में आयोजित सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि संडीला विधायक अलका अर्कवंशी रही। बता दें कि महमूद आलम ने वन विभाग में कई वर्षों तक सीतापुर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। विदाई समारोह के मौके पर उप प्रभागीय वन अधिकारी संडीला अर्चना रावत सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर शहर क्षेत्र स्थित इलसिया पार्क में वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएफओ सीतापुर ब्रिजमोहन शुक्ला, एसडीओ सीतापुर आरएम गुप्ता, एसडीओ बिस्वा एसके अमरेश, वन क्षेत्राधिकारी बिस्वा सीतापुर मिश्रिक हरगांव मोहली एवं वन कर्मी मौजूद रहे। ब्लॉक रेवसा क्षेत्र की अजयपुर झील पर विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम कर बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रेंजर बिस्वा कमाल अहमद सिद्दीकी द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजयपुर के बच्चों को झील में मौजूद चिड़िया, कटना, पनडुब्बी, बगुला, बतख आदि के बारे में बताया गया। रेंजर ने बताया कि भूमि की ऊपरी परत में नमी ना हो तो चाहे जितने बीज बिखेरे जाए वह सोए ही रहेंगे। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कटियार, हिमांशु वर्मा, अनिरुद्ध वर्मा मौजूद रहे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने बकाया गन्ना मूल का भुगतान किसानों को ब्याज सहित किए जाने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि 2 महीने से सीतापुर में चीनी मिलें चालू हैं, लेकिन गन्ने का मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया। ऐसी ही अन्य समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 1-8 सूत्रीय मांग पत्र डीएम अनुज सिंह को सौंपा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राम राखन मौर्य, वीरेंद्र कुमार, राहुल जयराम, सत्येंद्र वाजपेयी, राम सिंह यादव, महेश बिपिन, फूलचंद, रामरति, सीमा, जमुना देवी, राम प्रसाद सहित कई किसान मौजूद रहे। लक्ष्य हासिल कर छात्र ने जनपद का नाम रोशन किया है। एलिया ब्लॉक के ग्राम अवधिपुर निवासी छात्र धीरज कुमार ने जनपद का मान बढ़ाया है। लखनऊ श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट लखनऊ में बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन ब्रांच के छात्र धीरज कुमार राजपूत एवं उनकी टीम ने 60 किलोग्राम रोबो वार में आईटीआई जोधपुर में 45,000 का पुरस्कार जीता है। उनकी दिल्ली की टीम इनविजिबल और मेरठ की टीम UP-15 से लड़ाई हुई। टीम ने कठिन परिश्रम के बाद अपने लक्ष्य को हासिल किया। विजेता सदस्यों में प्रियांशु यादव, धीरज कुमार, अर्पिक प्रकाश सिंह, आयुष कुमार सिंह, अमन कटियार शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लहरपुर तहसील क्षेत्र के भतफर चौराहे पर स्वागत किया गया। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी व जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बताते चले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सेमरिया गांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस अवसर पर राम शुक्ला, विनोद शुक्ला, पप्पू मिश्रा, वासुदेव पांडे, जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी, सत्यम मिश्रा, जीत त्रिवेदी, प्रधान आदित्य तिवारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था भतफर चौकी इंचार्ज जीवन चंद जोशी ने संभाली। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के द्वारा चलाई जा रही हिंदू जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में नैमिष क्षेत्र के लकड़िया मऊ, भट्टापुरवा, बकैनिया, शेखपुर, लखनापुर, भैरमपुर आदि गांव में भ्रमण किया गया। सभी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, जिला अध्यक्ष देश दीपक त्रिपाठी, राज बघेल, सुधीर मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनरेगा दिवस पर महिला मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर विकास भवन परिसर में हुकार भरी। महिला जॉब कार्ड धारकों ने मनरेगा दिवस मनाते हुए एक स्वर से कहा कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी की वजह से मजदूरी भुगतान में कई दिक्कतें आ रही हैं। संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मजदूरों ने कहा कि सीतापुर में जब 100 दिन के लिए काम की डिमांड की जाती है, तब कहीं 40 दिनों का रोजगार मिल पाता है। जॉब कार्ड धारकों की तरफ से पीडी गजेंद्र प्रताप सिंह को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर संगठित किसान मजदूर संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह, बिटोली, रामबेटी, गुड्डी, बिमल, उषा रानी, कमल किशोर, राजा राम, करुणा शंकर सहित तमाम मजदूरों ने समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। डोर फाउंडेशन की बैठक में आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। फाउंडेशन की बैठक जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ शशिकला मिश्रा के आवास पर हुई। बैठक के दौरान योग प्रशिक्षक प्रियंका सिंह को संगठन के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा महिला प्रकोष्ठ व जिला योगा प्रभारी के पद पर और जिला अध्यक्ष आध्यात्मिक प्रकोष्ठ डॉक्टर कमल किशोर सेठ के प्रस्ताव पर ओम प्रकाश मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मनोनीत पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष आकाश राय ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, शशि सिंह, प्रियंका सिंह, पूजा शुक्ला, राधिका मिश्रा आदि मौजूद रही। विश्व बहुआयामी वैश्विक समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 का मंच इन समस्याओं के प्रभावी समाधान का बेहतरीन विकल्प है। महिलाओं के नेतृत्व से विश्व में सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह वक्तव्य RMPPG महाविद्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में G20 संभावनाओं एवं चुनौतियों विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में सीतापुर जिले की G20 की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अर्चना सिंह ने दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा, आज पूरा विश्व भारत को वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के तौर पर देख रहा है। राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि G20 के मुद्दों और विषयों के प्रति जन जागरूकता एवं जन सहभागिता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में BA द्वितीय वर्ष के छात्र श्रुति गुप्ता ने जलवायु संकट के वित्तीय पर अपने प्रेजेंटेशन किया। इस मौके पर डॉक्टर हरिकेश गौतम, सुमित सिंह, डॉक्टर जयदीप सिंह, शशांक कुमार सिंह, श्रद्धा गुप्ता, अभिषेक कुमार, विकास सिंह, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर रमेश गुप्ता, डॉक्टर देवव्रत सिंह मौजूद रहे। सीतापुर शहर के वार्ड सदर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार 8वें दिन जारी रहा। वार्ड के लोगों से संपर्क करके उन्हें राहुल गांधी का पत्र और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। यह कार्यक्रम 26 जनवरी से प्रारंभ होकर लगातार 2 महीने तक चलेगा। इस मौके पर सुधीर चौधरी, अमोद मिश्रा, नरेंद्र वर्मा, आदित्य मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, निर्मला चौधरी, रमेश निषाद, उपदेश गुप्ता, राजेंद्र निगम, लाला पेंटर्स, शकील खान, संतोष शुक्ला, इश्तियाक खान, पप्पू राठौर, राम सेवक राठौर, वसीम अहमद, नितिन मौजूद रहे। ग्रामीणों की शिकायत पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत डफरा में निर्माणाधीन PSC का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्वयं अपने हाथों से ईंटों की मजबूती परखने के लिए तोड़ना शुरू कर दिया। मानक विहीन निर्माण देख वह भड़क उठी और फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर पाया कि भवन निर्माण में खुले आम पीली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जा रही सीमेंट और मोरंग की मात्रा भी सही नहीं पाई गई।
विधायक ने वहां मौजूद ग्रामीणों से नींव खुदवा कर देखा तो बिना गिट्टी के ही नींव की चुनाव कर दी गई थी। यह देख विधायक ने गहरी नाराजगी जताई और सख्त लहजे में कहा कि यहां लूटने वाला कोई काम नहीं होगा, काम की गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत की समीक्षा बैठक में सदस्यों की समस्याओं पर गहनता से विचार किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान सदस्यों के मान सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से उठा। जिला पंचायत के नेहरू हॉल सभागार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने की। बैठक में मौजूद 33 अधिकारियों से सभी 68 सदस्यों का परिचय कराया गया। बैठक में 61 अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, जो अधिकारी नहीं आ पाए थे उन्हें नोटिस भेजे जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर विभागों में अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि सदस्यों की बातों को अधिकारी गंभीरतापूर्वक सुने और समझ सके। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा। समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत मरम्मत कराई गई सड़कों की गिट्टी का एक माह में उखड़ जाने की बात जोर शोर से रखी गई। इसके अलावा ब्लॉक रामपुर मथुरा और रेवसा में हुए भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता से रखा गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, रामजीवन जायसवाल, तौकीर अहमद, अल्लन हरिओम वर्मा, वीरेंद्र भार्गव, रिंकू रस्तोगी, दीपक शुक्ला, सुमित शुक्ला, अमित कुमार, मोहम्मद रईस, नूरजहां, रागनी देवी, चंद्रकली वर्मा, प्रीति सिंह रावत, सुरेश प्रकाश, ललिता देवी, मनोज कुमार, प्रेमदीप जायसवाल, अनिकेत वर्मा, किरण देवी, अर्जुन लाल, मोहन लाल, इंद्रपाल, रामस्वरूप, जितेंद्र कुमार, हाजी मोहम्मद रिजवान, बनवीर सिंह यादव, ब्रजेंद्र कश्यप, सतीश कुमार, अशोक कुमार, तनवीर हसन, शालिनी, हरगोविंद यादव, निर्मला देवी, रेशमा बानो, रमेश कुमार, गोविंद सहनाज, दुर्विजय सिंह, राजा राम, खुशनुमा, समीम बानो, सुधा वर्मा, रिंकी मिश्रा, बसंत लाल, श्री किशन, दीपेंद्र प्रताप सिंह सहित करीब 68 सदस्य बैठक में शामिल हुए। संस्था विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार परामर्श केंद्र सीएससी सिधौली सीतापुर में गुरुवार को संयुक्त परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था के कार्यों पर चर्चा की गई। पंजीकृत केस फॉलो अप और मोहल्ला गोष्ठी के ऊपर उच्च पदाधिकारियों ने अपना सुझाव दिया। निरीक्षण में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सचिव दीपक यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, पीओ अवनीश मिश्रा शामिल रहे। इस मौके पर वीना खुराना, काजल राय, रूपाली शुक्ला, लिपिक अशोक श्रीवास्तव, रमेश चंद सैनी उपस्थित रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में नौगवा मुसव्वर में श्री चंद्रेश्वर महादेव धाम पर आयोजित मेला कार्यक्रम में रावण और वाड़ासुर संवाद का मंचन कलाकारों ने किया। बाबा फक्कड़दास कुटी पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंतिम दिन कन्याओं को भोज कराया गया। भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के जमुना दीन वर्मा, विशेष तिवारी, रमेश वर्मा, मुंशीलाल यादव, झाऊलाल वर्मा, कमलेश वर्मा, मुकेश वर्मा, महानंद शर्मा, उमाकांत मिश्रा, चंद्रकिशोर, सूरज, कमलेश, राजेश उपस्थित रहे। सीतापुर शहर क्षेत्र स्थित महाराजा छीतापासी किला पर छीतापासी का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाराजा छीतापासी सामाजिक ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश पासी जागृति मंडल सीतापुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत ने भागीदारी की। इस मौके पर मुख्य अतिथि व निवर्तमान नगर पालिका मिश्रिक अध्यक्ष सरला भार्गव ने केक काटा। महामंत्री एमसी भार्गव, शिवराम भार्गव, अजय भार्गव, प्यारेलाल रावत, शिव कुमार भार्गव, मुन्नीलाल, जेके राज, विपिन राजवंशी, गोधनलाल, राजेंद्र पासवान, पंकज रावत, सुशील कुमार रावत मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण समिति व स्काउट पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल कसमंडा के छात्रों ने जल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह, छात्र मिथुन चौरसिया, हृदयांश सनोज कुमार, करण शिवा वर्मा, सोनू सहित पर्यावरण संरक्षण समिति व स्काउट उपस्थित रहे। बराई जलालपुर क्षेत्र के सरवरपुर में स्थित दुर्गा माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री सचंडी महायज्ञ में तीसरे दिन गुरुवार को कथा वाचिक पंडित राम यश मिश्र रामायणी महाराज ने अतिथि देवो भव को विस्तार से व्याख्या की। इस मौके पर कथावाचक संदीप यादव, कमलेश यादव, श्रवण मिश्रा, अवधेश कुमार, राम कुमार शास्त्री मौजूद रहे। अटरिया के मऊ स्थित एक निजी प्रतिष्ठान पर ब्लॉक प्रमुख सिधौली द्वारा छीतापासी का जन्म उत्सव मनाया गया। महाराजा छीतापासी के चित्र पर ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत ने
माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में लालजी किशन दत्त, रामजीवन, उमेश चंद्र कारण रावत, विशंभर मुकेश रावत, सुशील रावत, अरविंद रावत, विजय रावत, शिवनारायण रावत मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।